सूबे में इन दिनों पशुपालन विभाग विदेशी नस्ल की भेड़ मोरिनो शीप को लेकर बेहद संजीदा है, क्योंकि इसकी उन्नत नस्ल और ऊन से जहां मार्केट में ऊन की बड़ी पूर्ति की जा सकती है, वहीं इससे पशुपालकों की आय में होने वाली वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ भेड़ पालन एक पुरानी परंपरागत व्यवसाय है, लेकिन उस परंपरागत व्यवसाय में हमारी जो भेड़ों की ऊन की क्वालिटी है तो ये कार्पेट वुल क्वालिटी के ऊन प्रोड्यूस होते हैं नॉर्मली। और ये प्रयास था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जो मेरिनो शीप है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, स्पेन में, वो अपैरल वुल क्वालिटी की ऊन प्रोड्यूस होती है। तो ये जो क्वालिटी तय होता है ऊन का जो डायामीटर है उसको लेकर के, तो 25 माइक्रॉन से नीचे के जो वुल होते हैं ये फाइन क्वालिटी वुल होते हैं जिसकी कीमत मूल्य बहुत ज़्यादा है, और 25 माइक्रॉन से ऊपर की जो वुल है ये कॉर्पोरेट वुल क्वालिटी की है, जिससे कॉर्पोरेट और ब्लैंकेट बनते हैं, स्वेटर शॉल नहीं बन पाते हैं, तो उसकी कीमत नीचे है। दूसरा, हमारा जो एक शेयरिंग में एवरेज यील्ड आता है ये 2-2.5 किलो के आसपास में होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ में, एक शेयरिंग में लगभग 7-8 किलो की यील्ड आती है, जो हमारी यील्ड से 3 या 4 गुना अधिक है। उसके साथ साथ जो डायामीटर, फाइबर डायामीटर है वो भी कम है, वहाँ 16 माइक्रॉन तक भी क्वालिटी की वुल अवेलेबल है। हमारे यहाँ जितने भी लुधियाना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सारे के सारे वून अपने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम उस नस्ल को यहाँ ले आकर के यहाँ अपने नस्ल का सुधार करें तो भविष्य में हम इस ऊन को यहीं पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक तरफ से विन विन सिचुएशन होगा किसानों के लिए भी और जो टेक्सटाइल उद्योग हैं उसके लिए भी। जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको यहीं लोकली अवेलेबल हो जाएगी, और जो किसान हैं उनके लिए भी बेटर शीप रेयरिंग से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत पुट अप किया था, जो कि भारत सरकार ने सैंक्शन कर दिया था। इसके तहत हम लोग 240 भेड़ इम्पोर्ट करने वाले हैं, जिसमें 200 फीमेल एनिमल होंगे और 40 मेल एनिमल्स होंगे। इसके लिए हम 2 अपने शीप फार्म को तैयार कर रहे हैं, जो सरकारी शीप फार्म में उसमें रखी जाएगी, और 2 जनरेशन्स तक हम इनको हम सरकारी फार्म में बेटर मैनेजमेंट कंडीशंस में ब्रीडिंग करेंगे। तो 2 जनरेशन्स के पश्चात अर्थात 3 साल के बाद हमारे पास 300 ऐसे नर भेड़ जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से और जहां आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन संभव नहीं है भेड़ों को सप्लाई करने के माध्यम से हम नस्ल सुधार पर जाएंगे। तो इस प्रकार से लगभग 5-6 साल में हम लोग अपने जितने भी कार्पेट वूल क्वालिटी के ऊन हैं इसको अपैरल वूल क्वालिटी के ऊन में परिवर्तित करने के लिए।